चाहता हूं सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है, हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पर लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार ही अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए, क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है, आप क्यों इस पर रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पर। मुझे बताइए किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लगते हैं, लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक एक, एक, एक नफरत यहां डाली जा रही है। और मैं फिर इस बात पे आता हूं ना, अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें यह कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। हमने सोच समझ के उस वक्त फैसला किया था क्योंकि हमें कहा गया था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। और यह हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में को विरासत में एक नारा दिया गया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो इस भाईचारे को तहस नहस करना चाहते हैं, और उस बात की हम इजाजत नहीं देंगे। सर, जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद जो फाइनल प्रपोजल वो दे रही है, फाइनल रिपोर्ट, उसके बाद अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या पीएजीडी मिलकर इलेक्शंस लड़ेगी? या मैं पीएजीडी का ऑफिस बेरर नहीं हूं, अपनी जाति राय दे सकता हूं। मैं तो चाहूंगा कि मिलकर लड़े। अगर मुझसे मशवरा लिया जाएगा, मेरा मशवरा यही होगा कि हम मिलकर लड़े। हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए कि बीजेपी और उनके जो बी टीम सी टीम है वो वोटों का बंटवारा करें। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।